And by the way, we were continued shoots were going on in Ramazan also. Throughout the Ramazan आप लोग shoot कर रहे थे। जनाब ईद से हम 2 दिन पहले फारिग हुए हैं। तो निगो जी के लिए कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर था आपके जहन में, कोई इंस्पिरेशन थी, या डायरेक्टर के साथ आपकी क्या बात हुई? आपने कुछ खुद ऐड किया, कुछ सोचा कि मैं इसको ऐसे बनाना चाहती हूँ, स्पेशली फेरीटेल 2 के लिए? हाँ, पहले मैं 1 से स्टार्ट करती हूँ। तो 1 की ब्रीफिंग कैरेक्टर की यही आई थी कि लड़के की माँ है, दे आर वेरी रिच एंड शी इज़ अ विडो, एंड इनकी पूरी लाइफ अपने बच्चों के इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है। शी इज़ नॉट अ डिपेंडेंट वुमन, आई मीन शी हैज़ फ्रेंड्स एंड शी डज यू नो ब्रंचेज एंड किटी पार्टीज एंड ऑल ऑफ दैट, एंड शी ऑल्सो इज़ पार्ट ऑफ द बिजनेस। लेकिन अब वो बेटे को आहिस्ता आहिस्ता हैंड ओवर करना चाहती है, और उसको जो लड़की नज़र आती है वो उसको अपनी बहू के रूप में देखना चाहती है। वो तो आपने सीज़न 1 में देखा होगा, राइट? So then little nuances were added to that character कि you know वो हर थोड़ी देर बाद उनको अपनी detox tea चाहिए होती है, या मुझे stress हो रहा है, just to make it slightly funny without making it over comical, क्योंकि वो भी हर एक के मतलब की चीज़ नहीं होती ना। अब ज़्यादा कर दें तो लोग कहते हैं यार क्यों खींच रहे हैं इसको। That was season 1, and yes there were points where you know people thought that I may never agree to Umeed being my bahu, but of course as season 2 started people saw कि this will happen. ये वेरिएशन क्यों आई है इसमें, जो ये देखकर ड्रामों को कुछ इंस्पायर हो रही है? Any boy's mom would be a little insecure in our culture when such a lively, muh-phat, full of you know energy and chaos girl is coming as their bahu. I think it's nothing beyond that. Okay. She's not a negative woman. She's not toxic. She's just trying to see कि how can I maintain a part of my son to myself, और मेरे घर में ये जो एक भौचाल आने वाला है इसको मैं कैसे मैनेज कर सकती हूँ। अगर उसको नहीं करनी होती शादी, वो कभी ना जाती लेकर रिश्ता, राइट? She loves her son. She has accepted Umeed, लेकिन ये human nature है ना कि आप इतने proper हैं और dignified हैं, और एक लड़की जो जहाँ खड़ी होती है वहाँ कोई तमाशा हो जाता है, कोई चीज़ टूट जाती है, कुछ गड़बड़ हो जाता है। It's a normal insecurity that she is going through. लेकिन पहले में तो उम्मीद को वो खुद ही मिलाने की कोशिश कर रही थी, सब कर रही थी, तो उससे ये चेंज है ना, थोड़ा सा वो था कि वो इतनी पॉजिटिव थी, एंड वी लव्ड हर फॉर दैट, यू नो, कि वो हमेशा पॉजिटिव दिखाई देती थी। इवन मीमी का कैरेक्टर इतना पॉजिटिव था, तो वो बड़ा मज़ा आता था। जब तक वो दूसरी लड़की नहीं आई तो उन्होंने कहा अच्छा अब उम्मीद तो नहीं सुन रही है और फरजाद नहीं मान रहा है, तो उन्होंने दूसरी लड़की को के साथ इन्वॉल्व होना शुरू किया। लेकिन उससे पहले पूरा उम्मीद का मेकओवर उन्होंने किया था। तो वो उससे वो जो नेगेटिविटी पे जंप आया है ना, या ये बोले थोड़ी सी रेजिस्टेंस जो वो दिखा रही हैं, वो थोड़ा सा हमें लगता है अच्छा यार वी डोंट वांट टू सी दिस साइड ऑफ निगो जी। बट व्हाट आई वांट टू आस्क इज कि चल क्या रहा है, इज शी रियली इनसिक्योर? ये अब वो जो एक मदर होती है ना, जब वाकई अब एक सामने फैक्ट आ रहा है कि अच्छा बेटे की तो वाकई शादी हो रही है, इनसिक्योरिटी है वो है, या वो वाकई उम्मीद को पसंद नहीं करती, या फिर उन्हें ये है कि डर है क्योंकि अभी जो रिसेंट दिखाया कि ये फरजाद को केयरलेसनेस की तरफ ले जा रही है, बहुत सी चीज़ें साथ चल रही हैं। अब मैं अगर डीप जाके सोचूं तो ओके, सो शी डज नॉट डिसलाइक उम्मीद एट ऑल, ठीक है? ऑल द उम्मीद फैंस, यस, शी डज नॉट डिसलाइक उम्मीद। व्हाट शी इज़ नॉट ओके विद इज़ द केओस। अब वो ऑफिस में इतना नुकसान करवा दिया, मीटिंग कैंसिल कर दी, यू नो। समन बिल्कुल ऐसे बोली जैसे वाकई ये समन इज जस्ट लाइक इन द कैरेक्टर। यस एब्सोल्युटली, द बुक ऑफ निगो जी, यू नो। मतलब अगर मेरा बेटा ऑफिस में होता रियली एंड एक लड़की आके इतनी बड़ी बिजनेस डील ख़राब कर देती, तो मुझे भी होता कि माय गुडनेस ये अब हमारे घर में भी होगी और कितना नुकसान होगा। तो उम्मीद से कोई मसला नहीं है, मसला उसके केओस से है। एंड नाउ फरजाद इज़ मैडली इन लव। कोई बात नहीं माँ, अगर देर हो गई ऑफिस में, पहली दफ़ा हुई है, कोई बात। तो मॉम इज़ सेइंग वो ये लड़का जो 1 मिनट टस से मस नहीं होता था, ये अब 1 घंटा लेट आ रहा है, ये जल्दी घर वापस आ रहा है। शी इज़ कंसर्न्ड, शी इज़ नॉट इनसिक्योर कि एक लड़की आके टेक ओवर कर लेगी। Okay, so she's not insecure. No, okay. No, she's not one of those moms. नहीं, not at all. लेकिन ये जो है ना, थोड़ा सा जो कॉमिक एलिमेंट डाला गया है, एक तो ये कि देखिए हर कैरेक्टर को उसकी क्यूट कॉमिक एलिमेंट्स देनी भी हैं, सो ये आप समझे कि निगो और मीमी का जो एक है ना लिटिल सटायर वाला हिस्सा आप लोगों ने देखा है कि हाँ ऐसा भी हो सकता है, लेकिन आपने अटेम्प्ट्स नहीं देखी है निगो जी की, सारी अटेम्प्ट्स तो फेल हो जाती हैं जो वो ड्रामों से सीखती है। लेकिन मैं सिर्फ सवाल ये करती हूँ कि निगो जी का जो हमें दिखाया कैरेक्टर, जैसे पहले भी जो आप बोली ना कि वो अपनी टी ले रही है, अपना ये ले रही, वो बड़ी क्लासी खातून दिखाई है, ठीक है, तो हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे क्या एक क्लासी खातून इस तरीके से इंडियन सोप्स को देख के इतना इम्प्रेशनेबल हो जाएंगी, या फिर हम कह सकते हैं कि क्रिएटिविटी एंड फन के नाम पे कुछ भी किया जा सकता है? देखिए, इम्प्रेस होने को इंसान किसी भी चीज़ से इम्प्रेस हो जाता है, मोमेंट ऑफ वीकनेस अगर हो ना तो कोई भी चीज़ आपको ल्योर कर सकती है। उनको एकदम से ये समझ में आया कि कोई वजह ही होगी ना कि सास बहू के ड्रामे इतने पॉपुलर होते हैं। और सिर्फ वो वाले नहीं जो हमने दिखाए, हमारे मुल्क में जो टॉप रैंकिंग ड्रामे हैं वो ज़्यादातर सास बहू की कहानी होती है। Because people somehow associate with it. इसको हमने थोड़ा सा ज़्यादा एग्जाजरेट करके दिखा दिए। और अब क्लासी की बात करते हैं, आपने देखा नहीं कि ब्राइडल शावर पे कितने क्लासी तरीके से वो ग्लास फेंक रही थी यूँ बैठी हुई कि किसी को पता ना चले, शायद कुछ हो जाए। So yeah, but हुआ कुछ नहीं। She will not let go of her classiness. She will not let go of her elegance or the love that she has for her son and her son's choice. बस इससे ज़्यादा मैं नहीं बता सकती अभी। नहीं, हमें तो निगो जी बहुत पसंद है, इसीलिए हम बड़े सैड हो गए थे जब निगो जी ने ये करना शुरू किया। लेकिन वो इतने क्यूट मोमेंट्स भी थे जब वो रात को जाके फरजाद को उठाती है ना, दैट वाज सच अ ब्यूटीफुल मोमेंट व्हेन शी सेज कि इट्स ओके, यू नो, चलो। तो वहाँ तो वी लाइक, आई वाज जस्ट लाइक, ओह यस, द निगो जी आई नो इज बैक, यू नो। सो फॉर मी, फॉर फैंस लाइक मी, वो एक प्रोसेस है जिससे हम गुजर रहे हैं और अभी भी आगे जाके देखते हैं कि क्या होता है, अब कितने मुज़ाकरात होते हैं या कितने चैलेंजेस फेस करती हैं उम्मीद एंड निगो जी आपस में। आई थिंक एज द एपिसोड्स गो ऑन, सब कैरेक्टर्स की आप मल्टी डिमेंशनल ग्रोथ भी देखेंगे। सारा जी ने जिस तरह से लिखा है सीज़न 2 को, देयर इज़ अ लॉट दैट विल हैपन, some of it will blend in very nicely, some of it will stand out uniquely. जैसे ये मेरा वाला ड्रामे से इंस्पायर होने वाली चीज़, it just like whoa, this is so unusual. But people also loved the fact it was so unusual. दूसरी तरफ अगर आप देखें उम्मीद का हल्का हल्का मेच्योरिटी दिखाना, ठीक है ना, अब वो जो उसका खिलंड्रापन था वो थोड़ा सा कम हो गया। शी हैज़ नॉट चेंज्ड हर फन एंड दिस एंड दैट, उतनी ही एनर्जी है, लेकिन यू सी दैट सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आहिस्ता आहिस्ता आते हुए। सो कैरेक्टर ग्रोथ बहुत खूबसूरती से नजर आएगी टिल दी एंड, नॉट फॉर वन, फॉर एवरी कैरेक्टर। द वन कैरेक्टर जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा कैरेक्टर ग्रोथ नजर आती है वो फरजाद का है, विच इज़ सो लवली टू सी के फरजाद में ट्रांजिशन कैसी आई है। दिस इज़ इट्स समथिंग दैट वी वांट टू सी एंड इट्स वेरी ऑब्वियस ऑल्सो। कमिंग टू दैट, अच्छा भाई, हम निगो जी को कैसे मनाएं, क्या करें निगो जी को, क्या बोलें कि वो उम्मीद को खुशी खुशी घर ले आएं? बताइए, क्या 2-3 चीज़ें करनी पड़ेंगी निगो जी को मनाने के लिए? अदर देन ड्रॉपिंग दो स्कैंडल्स। हाँ जी, वो तो हो गया ना, वो तो हो गया। अच्छा जी, उम्मीद को खुशी खुशी घर लाने का भाई सिंपल सा तरीका ये है कि शादी प्रॉपर तरीके से हो जाए, रस्में वस्में सब खूब। हाँ, वो हालांकि मैं अग्री नहीं करती हूँ उन पुराने ज़माने की रस्मों से, लाइक निगो जी डज नॉट बिलीव इन देम। सब हो, टाइमली मैनर में हो, केओस ना हो, क्योंकि निगो जी सबसे ज़्यादा केओस से घबराती हैं। आपने नोटिस किया होगा जब वो बात पक्की करने गई और अंगूठी पहनाई, उसके बाद जब हंगामा शुरू हो गया, शी इज लाइक ओह इनफ इज इनफ, मैं जा रही हूँ, आई कांट हैंडल दिस राइट नाउ। केओस ना हो, सब अच्छे से हो जाए तो वो ज़रूर प्यार से घर ले आएंगी। अभी तो हम सोच रहे हैं फिर क्या होने वाला है निगो जी का, क्योस का तो बहुत बड़ा पैकेज आने वाला है। देखिए जी, या तो निगो जी जो है ना 24 घंटा योगा करना और मेडिटेशन करना शुरू कर देंगी, या उम्मीद बिल्कुल बदल के निगो जी जैसी हो जाएगी। ये सेकंड वाला मुश्किल लग रहा है मुझे, सो पहला वाला ज़्यादा पॉसिबल लग रहा है। और बोथ ऑफ देम मे मीट हाफ वे, क्योंकि इन एवरी रिलेशनशिप दैट्स द वे इट हैज़ टू बी। थोड़ा सा आप आएँ, थोड़ा सा आप आएँ, एंड देन यू कम टू अ हैप्पी कॉम्प्रोमाइज़। दैट विल बी अ वेरी लवली थिंग। Yeah. अच्छा मुझे ये बताएं कैसा है टू वर्क विद सहर एंड हमजा? आई लव इट, आई लव इट। हमजा इज़ सच ए वंडरफुल बॉय। आई गॉट टू वर्क विद हिम फर्स्ट इन बादशाह बेगम, फुप्पो बनी थी उसकी। इतना तमीज़दार, इतना क्लासी, ऑफ कोर्स ही इज़ एक्सट्रीमली चार्मिंग, सो यू नो वो जब कमरे में होता है। चार्मिंग है, कैसे चार्मिंग है सर, ये तो बताएं। हिज मैनर्स, हिज मैनर्स, मतलब मैं आती हूँ वो खड़ा हो जाता है मुझे रिसीव करने के लिए, यू नो, मैं गाड़ी में बैठी होंगी वो दरवाज़ा बंद करेगा मेरे लिए। दीज थिंग्स आर सो चार्मिंग बिकॉज यू डोंट गेट टू सी दैम। समझी, मैं आपके लिए कर दूँ, आप मत उठाइए ना। नहीं, आई कैन मैनेज माई सेल्फ। वेरी पोलाइट, very focused on his work also. हंसी मजाक भी बहुत चलता है. And सहर के साथ my goodness, सहर is such an amazing actor. उस लड़की में इतना scope है. She speaks with her eyes, which is her biggest strength. क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में मैं नाम से गिन सकती हूँ 4 या 5 लोग जो आँखों से एक्टिंग करते हैं. She is one of them. She is also such a pleasant person to have around. जब वो होती होंगी सेट पे, क्योंकि मैं उनके काफ़ी इंटरव्यूज़ कर चुकी हूँ, और जब भी हम मिलते हैं तो वो एक सहर की अपनी वाइब है. यू नो सहर आती है और एक मज़े की एक एटमॉस्फेयर हो जाती है, बातें एंड नॉन स्टॉप गुफ्तगू. इट्स सो मच फन टू बी अराउंड. आई थिंक वो जान बना के रखती हैं सेट की, हर वक्त कुछ ना कुछ. यस, विद सहर अराउंड इट्स ऑलवेज समथिंग और द अदर इज गोइंग ऑन. सो शी हैज, एंड आई लव द वे शी टॉक्स नॉन स्टॉप. एक बात से दूसरी बात, दूसरी बात से तीसरी बात. यस, टॉपिक जंपिंग काफ़ी होती है जब सहर बात कर रही होती है. सो इट्स सो मच फन, बट इट्स लवली टू हैव दीज टू वेरी टैलेंटेड पीपल इन आवर इंडस्ट्री. उनको देख के मुझे होता है कि अच्छा यार, टैलेंट अच्छा है और ग्रूम हो रहा है एज दे आर गेटिंग अपॉर्चुनिटीज़, एंड हम वी कैन लुक फॉरवर्ड टू सम ग्रेट परफॉर्मेंसेज बाय देम ऑल्सो. एंड on that note, even for the 3 newcomers in our drama, I'd like to say this. So ye inka pehla hai, so this is their debut, and their Amna hai